हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग दोस्तों कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है मंडे और मंडे को दोस्तों हम लोग जो है 2 दिन का करंट अफेयर कवर करते हैं, यानी कि संडे का न्यूज़पेपर भी और साथ में फिर हम लोग हमारे मंडे का न्यूज़पेपर भी जो है वो कवर करते हैं। तो यानी कि 5th of December और 6th of December है ना, 2 दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, तो इस सेशन को रेगुलर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस सेशन को 2 से 3 महीना एक बार रेगुलर देखिए, आपको खुद को पता लगेगा कि आपका जो नॉलेज है वो आपका काफ़ी डे बाय डे जो है वो बेहतर होता जा रहा है, और आपका जो सोच है, समझ है, जीने का तरीका है, आपकी मेहनत का जो लेवल है, वो सब चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट है जो कि देखने को मिलेगा। इस सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, सबसे पहले 5 क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने दिए होते हैं आपको कुछ दिन पहले, मतलब प्रीवियस डे। तो ठीक है, वो वाले क्वेश्चन है जो कि हम लोग कवर करते हैं, और उसके बाद में हम लोग आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, उसके बाद में क्या आज के दिन इतिहास के अंदर है जो कि हुआ है वो कवर करते हैं, उसके बाद में फन फैक्ट एक, और डेली के 5 इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है जो कि हम लोग कवर करते हैं, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको आज के सेशन में से देता हूं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग कवर करते हैं। कल के क्वेश्चन की अगर मैं शुरुआत करूँ तो कल का पहला क्वेश्चन था जो कि मैंने JG 367B के बारे में पूछा था, है ना। एक एस्ट्रोनॉमर ने रिसेंटली एक स्मॉल प्लैनेट के बारे में पता किया है, कितने घंटे के अंदर ऑर्बिट पे कंप्लीट करता है अपनी, है ना, अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करता है कितने, 7.7 आवर के अंदर, यानी कि ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एक बार सब लोग ज्वाइन कर लो। सादिक की आज यहाँ पे पहली क्लास है, तो काफी सारे बच्चे हैं जो कि नए नए भी आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे श्रेष्ठ स्कीम के बारे में बात करें तो इसके अंदर कितना अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया गया था, तो इसके तहत दोस्तों 300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। गीता गोपीनाथ जो कि फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट और अभी डिप्टी MD बनने वाली है IMF की, ये कोलकाता से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट के बारे में पूछा था मैंने, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पहली बार UN जनरल असेंबली के द्वारा कौन से साल में स्टार्ट किया गया, तो ये होगा आपका सी आंसर, क्योंकि 1992 के अंदर किया गया। नेक्स्ट था, फर्स्ट टाइम इन विच ईयर उड़ीसा स्टेट कैबिनेट ने दोस्तों पायका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट के तहत घोषित करने के लिए बोला था, तो यहां पे भी 2017 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU 10 या Bhunesh 10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम के अंदर आप देख सकते हैं ये स्पेशल प्राइस है, 15% रिडक्शन देखने को मिला। 12 या 24 मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं आइकॉनिक का 350 रुपये में, और वैसे 250 रुपये पर मंथ पे आप अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, आपका गोल SSC हो सकता है, UPSC हो सकता है, कोई बैंक का एग्ज़ाम, कोई IIT है, कोई CAT है, जो भी 40+ एग्जाम में से आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। प्लस पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ यहाँ पे डालिएगा, और BHU 10 आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल क्लास की बात करें, आज सुबह 9 बजे जो है वो स्पेशल क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और SSC का फाउंडेशन बैच के बारे में बात करें तो आज से मेरे ख्याल से क्लास स्टार्ट हो रही है, आज नहीं तो मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स कल से तो खैर सुबह 10 बजे हो ही जाएगी, आज से होनी चाहिए थी वैसे खैर, लेकिन शायद कुछ टेक के इश्यू की वजह से नहीं हो पाई। इसके अलावा smileforallsociety.org के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बच्चे की एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के थ्रू, एक पिज्जा की कॉस्ट पे, और एक वॉलंटियर भी बन सकते हैं आप अपने शहर का। आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव ट्रेवल्ड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन यू कैन ऑलवेज टर्न अराउंड। बहुत सही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है, हम लोग दोस्तों बहुत बार लाइफ में गलत डायरेक्शन में जाते हैं, चलते जाते हैं फिर लगता है कि नहीं यार इस चीज़ को तो हमने इतने साल दे दिए, अब कैसे वापस से घूमें, कैसे वापस से कुछ और करें। ऐसा नहीं होता है गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में आपको पता करना होता है कि आप किसके अंदर बेस्ट हो, और उस पता करने के अंदर आपको काफ़ी साल निकल जाते हैं, काफ़ी टाइम आप ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो जो कि आपका कभी स्ट्रांग पॉइंट था ही नहीं। तो कभी भी डरा मत क्या करो टर्न अराउंड करने से और अपने सही डायरेक्शन को चूज़ करने से सबसे, और ये सही डायरेक्शन कौन सा, ये आप ही है जो कि अपने आप को बता सकते हो, आपको क्या पसंद है, कौन सा काम आपका अच्छा है, आप किसको करने में आपको मज़ा आता है, साथ में कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है तो आप उस एग्ज़ाम की तरफ जा सकते हैं,
है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं संडे के न्यूज़पेपर की, ठीक है गाइस। संडे और मंडे दो दिन के न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे। अंकित बोल रहे हैं सर आप स्मार्ट बोर्ड पे क्लास क्यों नहीं पढ़ाते हो, ऐसे कोचिंग वाली फील नहीं आती। अंकित कोई बात नहीं यार, देखो कोचिंग वाली फील नहीं आती, लेकिन मेरे लिए सस्टेनेबल ये है, मतलब मैं नॉर्मली ऐसा होता है कि 30 दिन में से 5-10 दिन जो है वो मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ अपने शहर के अंदर, ओके okay, उसके अलावा भी मैं इधर उधर होता हूँ, तो मेरे लिए हमेशा ये सस्टेनेबल रहता है कि मैं इस तरीके से आपके लिए रेगुलर क्लासेस कर सकूँ। बोर्ड पे मैं आपको 4 दिन पढ़ाऊंगा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिर 4 दिन पढ़ाऊंगा, फिर 2-3 दिन में कहीं इधर उधर कहीं चले जाऊंगा, फिर आपको क्लास बोर्ड पे नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे लिए बेस्ट सस्टेनेबल है कि मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपकी आवाज़ भी अच्छी आती है, आपको दिखता भी अच्छा है, और मेरे लिए भी जो है ये सस्टेनेबल मॉडल है जिससे मैं आपको लॉन्ग टाइम तक जो है वो क्लासेस दे सकता हूँ, चाहे मैं पूरी दुनिया में किसी भी कोने के अंदर हूँ, ठीक है। और इसमें मोबाइल से भी कनेक्ट करके क्लास मिल जाती है आपको, तो होपफुली आप समझेंगे मेरा कंसर्न, मतलब ठीक है। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या फील आ रहा है आपको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में कितनी यूटिलिटी हो रही है या फिर कितना आपको सीखने को मिल रहा है एक 40 से 45 मिनट की क्लास के अंदर। मैं आपको 40 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता हूँ वैसे नॉर्मली, आज मंडे है बात अलग है, 2 दिन का न्यूज़पेपर है, अदरवाइज मैं 40 से 45 मिनट का ही सेशन रखने में बिलीव रखता हूँ, ताकि एक आप उसको स्पीड पे पढ़ाओ तो आप 20-30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि सब्जेक्ट है जो कि आपको कवर करने होते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे संडे के न्यूज़पेपर के अंदर कुछ केसेस आपको महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भी ओमिक्रॉन के देखने को मिले, और 4 केसेस हैं जो कि इंडिया के अंदर कल तक पहुँच गए थे। आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों ये 4 बढ़ के कितने 21 से 22 है जो कि हो गए हैं, वो मैं आज के न्यूज़पेपर में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे 5 मेंबर का पैनल बनाया गया है जो कि सेंटर और फार्मर के डिमांड को जो है आपस में बातचीत करेंगे, एयर इंडिया को लेकर, ड्यूज को लेकर है, यहाँ पे यूपीए को लेकर है, और यहाँ पे मैपिंग करने को लेकर है। फ्रंट पेज पे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाब है दोस्तों आपको मालूम है साइक्लोन है जो कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल के अंदर आया था, अभी भी मतलब 6 दिसंबर तक कंप्लीट हुआ ये, और ये नाम किसके, सऊदी अरेबिया के द्वारा ये नाम है जो कि दिया गया था। सबसे पहले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों 10 विकेट है जो कि एक प्लेयर ने अभी मुंबई टेस्ट मैच में ले लिए, न्यूजीलैंड के बॉलर है एजाज पटेल, ये क्रिकेट के इतिहास में 3रे बॉलर बन चुके हैं टेस्ट हिस्ट्री के अंदर, आफ्टर द जिम लेकर जो कि इंग्लैंड के थे, और हमारे अनिल कुंबले दोस्तों जिन्होंने 10 विकेट एक इनिंग के अंदर ले लिया, यानी कि पूरी की पूरी टीम को आउट कर दिया। हालांकि दोस्तों ये टेस्ट मैच है जो कि हम लोग जीत गए हैं, मतलब हम लोग ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया है, लेकिन इसमें बहुत ही अमेजिंग बात यह रही, मतलब कि जिम लेकर और अनिल कुंबले के अलावा आज तक दोस्तों क्रिकेट के 75 साल के इतिहास में, इनफैक्ट 90 साल के इतिहास में कोई भी बॉलर ऐसा नहीं कर पाया था, इनफैक्ट मतलब 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं यार। 1877 में फर्स्ट टाइम है जो कि टेस्ट मैचेस की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में, और एजाज 3rd बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिए, और अभी तक 2500 गेम है जो कि टोटल हो चुके हैं। मतलब जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए थे मैनचेस्टर के अंदर 1956 में, अनिल कुंबले ने दोस्तों पाकिस्तान के अंदर लिए थे, पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे दिल्ली के अंदर 1999 में, और एजाज पटेल ने इंडिया के खिलाफ लिए दोस्तों मुंबई के अंदर, और ये मुंबई के अंदर ही पैदा हुए थे वैसे 2021 के अंदर, है ना, ठीक है। चलिए तो अनिल कुंबले ने वसीम अकरम को आउट करके 10 विकेट पूरे किए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एजाज जो है वो फर्स्ट 10 विकेट लेने वाले फर्स्ट इनिंग के अंदर प्लेयर बन चुके हैं, लेकर और कुंबले ने 2nd इनिंग के अंदर लिए थे, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा रिचर्ड हेडली भी थे जिन्होंने 9 विकेट लिए थे लेकिन वो 10 नहीं ले पाए थे, तो ये भी आपको यहाँ पे कुछ पता होना चाहिए। बहुत ही बड़ा मतलब ये माइलस्टोन है यार, छोटा मोटा बात नहीं है, पूरी टीम को आउट कर देना तो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। पेज नंबर 5 की बात करते हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के सीएम के बारे में बात करेंगे। फॉर्मर आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे दोस्तों रोसैया जी, उनकी अभी मृत्यु हो गई है और हैदराबाद के अंदर, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेटिकली कॉम्पिटेटिव प्रोफेशनल थे और 88 साल के थे, मतलब और काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन है जो कि आंध्र प्रदेश के जो है वो रहे हैं, है ना, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनका नाम पूछेंगे आपसे कि कहाँ के एक्स सीएम हुआ करते थे जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई है, तो आपको ये बस ये बात ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे पहले, उसके बाद सीएम बने और गवर्नर भी रहे तमिलनाडु के कुछ टाइम तक, कांग्रेस से जो है काफ़ी अच्छे इनके कांग्रेस से जो है ये बिलोंग किया करते, वन ऑफ द सीनियर लीडर है जो कि माना जाते थे। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 6, यहाँ पे भी दोस्तों एक और बात करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे
किसको? विनोद दुआ जी को लेकर। विनोद दुआ जी आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस दोस्तों जर्नलिस्ट रहे हमारे देश में। इनकी भी 67 की उम्र के अंदर मृत्यु हो गई। दूरदर्शन से अपना करियर स्टार्ट किया, एनडीटीवी के ऊपर बहुत सालों तक काम किया और पायनर है टेलीविजन जर्नलिज्म के। कोविड-19 भी हो गया था, इन्होंने अपनी वाइफ को भी लॉस किया कोविड-19 की वजह से। और दिल्ली में इनका जन्म हुआ, दिल्ली में मृत्यु भी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बिलोंग किया करते थे। और रामनाथ गोइंग का एक्सीलेंट अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, रेडिंग का अवार्ड मिला, तो कुछ एक अवार्ड भी है अपने लाइफ में जीत चुके। बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे, एनडीटीवी के लिए बहुत सालों तक तो काम किया। जब टेलीविजन का जब लोग टेलीविजन देखना स्टार्ट किए थे उस टाइम पे जर्नलिज्म के अंदर बहुत बड़ा नाम है जो कि हुआ करते थे। इनकी बेटी है मलिका दुआ, ये आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस राइटर, कॉमेडियन और एक्ट्रेस है ना, और अभी ये काफ़ी एक्टिव है। चलिए इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो इसी पेज के ऊपर है वो एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पे, ये वाली जो कि आसाम को लेकर है। आसाम के अंदर आसाम का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना वो रतन टाटा जी को दोस्तों दिया जा रहा है। ओके, देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिलंथ्रोपिस्ट है रतन टाटा जी। असम वैभव इस अवार्ड का नाम है, आसाम का दोस्तों सबसे बड़ा अवार्ड है ये, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके अलावा 19 पर्सनैलिटीज है जो कि कैटेगरीज में चुनी गई है। और ठीक है, जिस तरीके से कैंसर केयर के अंदर उन्होंने काम किया है उसको लेकर टाटा रतन टाटा को अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, रतन टाटा को असम सरकार ने दिया असम वैभव सम्मान, 5 लोगों को असम सौरभ सम्मान है और 13 लोगों को असम गौरव अवार्ड है। तो ये 3 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड है जो कि दिया जा रहा है, समझ गए। जैसे कि असम सौरभ सम्मान जो है वो बॉक्सर है लवलीना, उनको भी मिलेगा। इसके अलावा 5 लोगों को असम सौरभ अवार्ड के बारे में बात करें तो शिक्षाविद कमिलदू है, डायरेक्टर रहे NHMK लक्ष्मण, शिक्षावादी बिजनेसमैन डॉक्टर प्रदीप चैन, आर्ट और ठीक है आर्ट की दुनिया में नील पवन, इन सबको इनसे सौरभ असम सौरभ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैभव के अंदर आपको रतन टाटा का नाम है जो कि ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपके विंटर ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक और अवार्ड है दोस्तों श्रीवास्तव जी का, इनके बारे में बात करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे इश्यूज है। सबसे पहले तो दोस्तों कश्मीरी हमारे एक आरिफ खान है, 31 साल के, कश्मीरी के कश्मीर वैली से, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 2022 के विंटर ओलंपिक्स के अंदर। ओके, स्कीइंग के अंदर ये पार्टिसिपेट है जो कि करने वाले हैं। -25 डिग्री सेल्सियस पे पिछले 9 से 10 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके फादर जो थे वो भी स्कीइंग के अंदर काफ़ी अच्छे थे, टूर ऑपरेटर थे हिली नॉर्दर्न कश्मीर बारामूला वाले एरिया में। तो बचपन से स्कीइंग ये भी करते हुए आ रहे हैं और अभी दोस्तों इन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया और ये विंटर ओलंपिक के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट है जो कि करने वाले हैं, है ना। मतलब इनफैक्ट इंडिया को दोस्तों 127 से भी ज़्यादा टूर्नामेंट के अंदर है जो कि इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और अभी फाइनली विंटर ओलंपिक के अंदर है जो कि ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देखो विंटर ओलंपिक्स के अंदर दोस्तों हमारे पास आज तक जो मेडल रहे ना वो कितने हैं, टोटल 0 मेडल है जो कि आज तक हमारे पास में रहे हैं। तो होपफुली गाइज इस बार जो है कुछ आरिफ की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक मेडल भी देखने को मिले। विंटर ओलंपिक्स अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे विंटर, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है विंटर, अगर मैं ये देखिए बहुत पहले इनकी शुरुआत हुई थी, म्यूजिक ऑफ नहीं करूंगा तो स्ट्राइक आ जाएगी यार, वीडियो नहीं देख पाओगे आप बाद में। चलो ठीक है, तो अभी इंडिया के पूरे ओलंपिक इतिहास के बारे में बात करूं, समर और विंटर सब कुछ मिला के, तो टोटल हमने 35 मेडल है जो कि हमने जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। सारे के सारे जो हमारे मेडल है ना ये हमारे समर ओलंपिक्स के अंदर है। विंटर ओलंपिक्स के अंदर हमने 1964 से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, 68 में भी किया और कई बार हम लोग कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा कोई मेडल हाथ में नहीं लगा है। सौरमा ओलंपिक की शुरुआत हमने 1900 के अंदर ही है जो कि कर दी थी। हमने जब से पार्टिसिपेट किया 1964 से तो हम लोग देखिए एक एक स्पोर्ट के अंदर ही पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे हैं, है ना। 2006 से हमने 3 स्पोर्ट के अंदर किया, 2018 में हमने 2 स्पोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया लेकिन अभी तक हमने कोई भी मेडल आए जो कि हम लोग इसमें नहीं जीत पाए हैं। ठीक है, हमारे अगर मैं ओलंपिक माइलस्टोन की बात करूँ तो पहला मेडल जो इंडिविजुअल मेडल हमारे देश के पास आया वो नॉर्मन प्रीचंद के पास आया था 1900 के अंदर पेरिस ओलंपिक में, एथलेटिक्स के अंदर सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल है जो कि इन्होंने जीते थे। उसके बाद में देश के इंडिपेंडेंस के बाद में पहला मेडल हमारे, ये सारे के सारे मेडल समर ओलंपिक्स के हैं, समझ गए, ध्यान रखिएगा। KD जाधव साहब के पास आया 1952 में हेलसिंकी में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल, पहला गोल्ड मेडल हॉकी का मिला 1928 के एम्स्टरडम हॉकी के अंदर। ओके, इंडिपेंडेंस के बाद में भी हॉकी में ही आया, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग के अंदर शूटिंग में, और मल्टी मेडल जो है वो नॉर्मन प्रीतचंद को 2 मेडल मिले थे। और देश के इंडिपेंडेंस के बाद में जो इन्होंने एक से ज़्यादा मेडल जीता वो थे सुशील कुमार,
8 और 12 दोनों के अंदर, 8 जेल पे है। फर्स्ट वुमेन मेडलिस्ट की बात करें, मल्लेश्वरी हमारी 2000 के अंदर सिडनी के अंदर वेटलिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। और मल्टी मेडलिस्ट की बात करें वुमेन में, तो पीवी सिंधु 16 और 20 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने बैडमिंटन में जीता है, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है। चलिए, तो ये विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत 1924 से दोस्तों देखने को मिली हमें और अभी तक ये कंटिन्यू है। ये सारे कुछ स्पोर्ट्स हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं होते विंटर्स के, लेकिन काफ़ी सारे हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। दुनिया में नॉर्वे दोस्तों नंबर वन पे है, अगर मैं विंटर ओलंपिक्स की बात करूँ, यूएसए सेकंड के ऊपर, जर्मनी तीसरे के ऊपर। नॉर्वे ने इसमें पूरा एक छत्र राज किया हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल 368 मेडल्स है, इसमें से 132 नॉर्वे के पास में गोल्ड मेडल है। छोटा सा कंट्री है लेकिन विंटर ओलंपिक्स में बहुत ही अमेजिंग है। 2018 का हुआ था प्योंगचांग में, अभी 22 का होगा बीजिंग के अंदर, और 2026 का जो होगा विंटर ओलंपिक्स वो मिलान और कॉर्टिना के अंदर होगा, इटली के अंदर इसको करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यूएस के मैथ प्राइस को लेकर, जो कि निखिल श्रीवास्तव को मिला है, एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है दोस्तों निखिल श्रीवास्तव, उनको जॉइंटली $5,000 का सिप्रेन, इसका अवार्ड का नाम लिख रहा हूं मैं आपके लिए, सिप्रेन फॉरियस प्राइज है जो कि दिया गया है मैथमेटिकल, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा। हाईली ओरिजिनल वर्क इन्होंने ऑपरेटर थ्योरी के अंदर है जो कि किया है, इसलिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है गाइज। ये नाम ध्यान रखिएगा जिसको मिला है, इन्होंने डेवलप किया है किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को समझ सकते हैं, है ना, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या नाम है, निखिल श्रीवास्तव इनका नाम है। आगे बात करते हैं हॉलमार्किंग को लेकर, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो कि यहाँ पे देखने को मिला है हॉलमार्किंग को लेकर। तो देखिए, आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना मैंडेटरी कर दिया है दोस्तों, गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर आपको एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं HUID, क्या बोलते हैं HUID, पेपर में पूछेंगे कितने डिजिट का होता है, ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि नंबर्स और लेटर्स के अंदर हर ज्वेलरी के पीस के ऊपर है जो कि लगाया जाएगा। जो भी 14, 18 या 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी होगा ना, या कोई आर्ट फैक्ट है, उसके ऊपर ये मैंडेटरी कर दिया गया है, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये इसलिए किया गया है ताकि दोस्तों कोई भी गलत ना कर, एक तो हम लोग ट्रेस कर सकें हर एक ज्वेलरी को, दूसरा कोई भी मिलावट ना करें, गलत प्रैक्टिस ना करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये सब। और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है ना, उन्होंने भी दोस्तों काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इसको बताया था, ठीक है। गोल्ड दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करता है, सबसे पहले फर्स्ट फेज में 256 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 1,00,000 ज्वेलर्स जो है इसके अंदर रजिस्टर किए जाएंगे और उनके ऊपर ये देखिए इस तरीके से, ये तो पहले तो BIS मार्क है, उसके बाद में प्योरिटी, कितना प्योरिटी है ये, और सेंटर का नाम, और उसके बाद में ये 6 डिजिट का दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो कि लगाया जाएगा, समझ गए। 916 अगर दोस्तों यहाँ पे कैरेट अगर बोला जाता है तो ये प्योरिटी का मार्क होता है, प्योरिटी का मतलब 91.6% ये प्योरिटी है, 750 का मतलब होता है 75% प्योरिटी, और 585 का मतलब है 58.5% प्योरिटी देखने को मिलती है, समझ गए। तो ये तो प्योरिटी के हिसाब से कैरेट के बारे में बात करी गई। कई बार दोस्तों वेट के सेंस में भी लोग कैरेट की बात करते हैं, बोलते हैं ना कि यार 200 कैरेट का वो गोल्ड, 200 कैरेट का गोल्ड है जो कि मिला है, अब इसका मतलब क्या होगा, 200 कैरेट तो कोई प्योरिटी का मार्क होता नहीं है। तो देखिए दो तरीके से हम लोग देखते हैं, एक तो वेट के हिसाब से और एक प्योरिटी के हिसाब से। तो प्योरिटी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, 916 का मतलब 91.6 प्योरिटी, 750 का मतलब है 75% प्योरिटी, है ना, और वेट का मतलब एक कैरेट के अंदर जो वेट होता है दोस्तों वो 200 mg होता है। तो 200 mg को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका कितना वेट है ग्राम के अंदर वो निकल के आ जाएगा, समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के बारे में। तो यहाँ पे NHAI को दोस्तों नए चेयरमैन है जो कि बने, जिनका नाम है अलका उपाध्याय, 1990 की बैच के IAS ऑफिसर है, मध्य प्रदेश कैडर के अभी एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं NHAI दोस्तों एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप करी गई 1995 के अंदर, एक्ट आया था 1988 के अंदर, रेस्पॉन्सिबल है ये मैनेजमेंट करती है हमारे हाईवेज का दोस्तों, 50,000 किलोमीटर के जो हमारे नेशनल हाईवे है ना, जो टोटल हमारे देश में 1,32,000 किलोमीटर की रोड है, 50,000 नेशनल हाईवे है जिसमें, तो उनका ये मैनेजमेंट है जो कि देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के नोडल एजेंसी है, MOU साइन किया हुआ है दोनों इसरो के साथ में भी, ताकि सेटेलाइट मैपिंग है जो कि हाईवे की कर सके, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो अभी चेयरमैन यहाँ पे बदल गए हैं दोस्तों, चेयरमैन अभी यहाँ पे अलका जी है जो कि बन गई है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए इंडियन आज के द हिंदू के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो कि नागालैंड के अंदर देखने को मिला। एक्चुअली देखो नागालैंड में क्या हुआ कि हमारी आसाम राइफल, आपको मालूम है दोस्तों, वहाँ पे तैनात रहती है और इंसर्जेंसी को जो है वो टैकल करती है। हुआ क्या कि उनको इनपुट मिला था कि एक गाड़ी के अंदर जो है ना 15 से 20 नक्सलाइट हैं जो कि वहाँ पे मूव कर रहे हैं। जैसे ही दोस्तों ये हमारे जवानों को इनपुट मिला, जवानों ने जो है उस व्हीकल को घेरा और वहाँ पे गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुई कि वो जो गाड़ी थी जिसके ऊपर ये गोलीबारी करी गई थी ना, वो दोस्तों एक माइन के अंदर काम करने वाले लेबर की थी जिसके अंदर 15 सिविलियन थे दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उसके बाद में 500 से ज़्यादा जब सिविलियंस को ये बात पता लगी कि इस तरीके से वहाँ पे गोलीबारी करी गई, तो जो आर्मी की गाड़ियाँ थी, जो वहाँ पे टेंट थे उनको भी जला दिया गया, उनको भी वहाँ पे, और जिसके अंदर एक हमारे शायद मेरे ख्याल से जवान की भी जो है इसके अंदर मृत्यु है जो कि हुई है ना, एक सोल्जर जो है वो भी रिटेलिटरी वायलेंस के अंदर है जो कि उनकी मृत्यु हो गई, तो वो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है ना। तो यहाँ पे आरआई का मतलब, AWRI का मतलब होता है कोई भी चीज़ है जो कि रॉन्ग हो जाती है उसके बारे में उसको बोलते हैं। तो आपने आर्मी का जो ऑपरेशन था नागालैंड के अंदर वो गलत हो गया और 15 सिविलियन की यहाँ पे मृत्यु हो गई, ये यहाँ पे बताया गया है। दिल्ली के अंदर दोस्तों पहला केस है जो कि ओमिक्रॉन का देखने को मिला। बिहार केरला के अंदर भी कोविड की जो डेथ है उसको अपडेट है जो कि यहाँ पे किया गया है, ये बताया गया है। यहाँ पे 2024 इलेक्शन को लेकर है, यहाँ पे आसाम पोर्टल को लेकर है, ये भी कुछ खास नहीं है। ये गुलमर्ग के अंदर बारामूला में जो यहाँ पे स्नोफॉल हुई है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 लोगों की मिस्टेकनली फायर हुई कि मृत्यु हो गई, 9 लोगों की और बाद में एक सोल्जर की भी डेथ है जो कि रिटेलिटरी वायलेंस के अंदर है जो कि देखने को मिला। ये नागालैंड का दोस्तों मैप है और इसका जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ना, यहाँ पे ये कियोस्क है, ये वायलेंस है जो कि देखने को मिला है ना। तो कुल मिला के एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिला। सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट सब ने जो है यहाँ पे इंक्वायरी बिठाने के लिए बोला है। दिल्ली के अंदर फर्स्ट केस है जो कि ओमिक्रॉन का यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा और भी शहर के अंदर मेरे ख्याल से टोटल जो है देश में 21 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 7 या 9 तो खैर जयपुर में भी दोस्तों देखने को मिले। इसके अलावा मुंबई में भी कुछ केसेस है, दिल्ली में है और बेंगलोर और कर्नाटका के अंदर देखने को मिले हैं, है ना। पेज नंबर 7 के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात ये है ना, देखो देश में बहुत ज़्यादा हल्ला उल्ला मच रहा है ओमिक्रॉन का, लेकिन ओमिक्रॉन से अभी तक देश में जितने भी केसेस हैं उसमें से कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन वाली कंडीशन किसी की भी नहीं हुई है। यानी कि जो सेवेरिटी है ना दोस्तों बहुत ही लो है। यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी काफ़ी केसेस हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन की या कोई ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को नहीं मिले, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है जो कि देखने को मिल रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि जो डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा डेंजरस था उसको भी रिप्लेस किया करेगा अगर ये, तो उससे भी थोड़ा सा अगर पॉजिटिव साइड बात करो, अगर सिल्वर लाइनिंग की बात करो तो वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 जो कि अनीमिया को लेकर है। देखिए अनीमिया मतलब क्या है कि खून की कमी है जो कि देखने को मिलती है अनीमिया में। तो 2005 के अंदर और 2015 के अंदर प्रोग्रेस जो है दोस्तों अनीमिया की जो देखने को मिली है वो बिल्कुल भी अच्छी है जो कि देखने को नहीं मिली। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 किया गया था और जो 4 किया गया था 15-16 के अंदर, 15-16 में तो चौथा किया गया था सर्वे आपको मालूम है, और अभी जो है कुछ साल अभी 2 साल पहले 5वां किया गया, तो उसमें से 30 में से 36 राज्यों के अंदर 50% जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो अनेमिक है जो कि पाई गई है। यानी कि ये इस केस के अंदर दोस्तों हमने हेल्थ के अंदर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर पाए हम लोग। जिसमें गुजरात की बात करें तो हाइएस्ट शेयर दोस्तों बच्चों के जो है वो 80% गुजरात के देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है एंड सो ऑन। स्टेट वाइज प्रिवलेंस अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितना रेड मार्क होगा उतने ही ज़्यादा दोस्तों बच्चे जो है वो अनेमिक है जो कि पाए गए। केरला का स्कोर काफ़ी कम है, इसके अलावा बाकी ज़्यादा राज्यों का स्कोर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए पहले जो है वो डार्कनेस कम थी, गुजरात में 17%, छत्तीसगढ़ में 25%, आसाम में 32%, ये है NFHS 4 के अंदर। अभी अगर आप देखोगे तो 5 के अंदर देखो कितना ज़्यादा डार्क हो गए हैं, तो इस वाले केस में हम लोग आगे जाने के बजाय पीछे आ गए, ये यहाँ पे बताया गया। जिसमें से गुजरात, पंजाब, MP है ना, ये NHFS 4 में सबसे आगे थे, और 5 में अगर आप देखोगे तो लद्दाख, मध्य प्रदेश, UP, राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, इनके शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रॉकेट को लेकर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए हैदराबाद बेस्ड रॉकेट मैन एम्स फॉर द स्टार, तो यहाँ पे
इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड क्रायोजेनिक इंजन दोस्तों आप सभी को मालूम है, एक स्काई रूट एरोस्पेस करके कंपनी है, दो एक्स आईआईटीएंस की, उनके द्वारा दोस्तों ये कंपनी स्टार्ट करी गई 2015 में। आप देखिए 7 साल है जो कि इनको रिकॉग्नाइज होने के अंदर लग गया है। कितना ज़्यादा पेशेंस, कितना ज़्यादा डेडिकेशन है जो कि चाहिए होता है, क्योंकि जब आप कुछ कई साल की मेहनत होती है तब जाके आप कुछ बड़ा काम कर पाते हो, तब जाके जो है आपका नाम होता है। किसी को नहीं पता था इस कंपनी के बारे में, लेकिन अभी हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया धवन वन लास्ट मंथ, जो कि कंट्री का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन था, है ना। दो हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपोलेंट LNG और LOX के ऊपर है जो कि इन्होंने बनाया था। इंजन को 3D प्रिंटिंग के द्वारा दोस्तों बनाया गया, समझ गए। इसके अलावा दोस्तों ये लोग क्रायोजेनिक इंजन नेक्स्ट जो है उसका नाम है विक्रम 2, वो भी ऑर्बिट में लॉन्च है जो कि करने को लेकर बोल रहे हैं विक्रम 2। अगर आपसे इनके धवन 1 के बारे में पूछा जाए क्या है तो ये भी पता होना चाहिए, विक्रम क्या है ये भी पता होना चाहिए। इन्होंने 3 बनाए, विक्रम 2 1st, 2nd, 3rd, तो 2nd जो है वो ऑर्बिट में 2 साल के अंदर है जो कि ये लेके जाएंगे, ये इनके द्वारा बताया गया। फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च व्हीकल है ना, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन जो है वो काफ़ी हाईली इफिशियंट होता है कंपैरेटिवली। हमने भी, इसरो ने भी कुछ साल पहले ही जो है वो हमारे क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप किया है, वरना पहले हम लोग क्या करते थे, क्रायोजेनिक इंजन बाहर से लेके आया करते थे, इंपोर्ट करवाया करते थे, फिर इसरो ने बनाया और अब प्राइवेट कंपनी बना रही है, ये और भी बड़ी बात है। इससे क्या होगा कि स्पेस जो इंडस्ट्री है इसके अंदर हमारे डोमेस्टिकली प्रोडक्शन काफ़ी कर पाएंगे हम लोग, है ना। अब सोचिए ना अमेरिका के अंदर कितना ज़्यादा बिजनेस होता है, ब्लू और ओरिजन है, साथ में ये SpaceX है, इन सब कंपनीज है। चलिए तो आप देख सकते हैं 2018 के अंदर, 15 में इन्होंने सबसे पहले काम स्टार्ट किया था और 18 के अंदर जो है इस कंपनी की शुरुआत करी। हैदराबाद बेस्ड है, पवन कुमार और नागा भट्ट ये दोनों इसके की पीपल हैं। देखिए विक्रम 1, 2, 3 है जो कि देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 पे, यहाँ पे बात करेंगे पीवी सिंधु को लेकर। रिसेंटली दोस्तों पीवी सिंधु ने अभी फाइनल के अंदर पहुँच गई थी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के अंदर। देखिए क्या होता है कि जो एक साल के अंदर जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं ना बैडमिंटन के अंदर, जिनकी टॉप रैंकिंग होती है, वो सारे BWF वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट है जो कि खेलते हैं, हर साल होता है दिसंबर के अंदर। यहाँ के अंदर वर्ल्ड टूर फाइनल के अंदर भी दोस्तों फाइनल के अंदर पीवी सिंधु है जो कि पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल के मैच के अंदर दोस्तों ये हार गई और इनको सिल्वर है जो कि यहाँ पे मिला है, है ना। सी यंग करके एक प्लेयर थी कोरियन, तो उनसे इन्होंने फाइनल मैच है जो कि हारा है। बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों प्लेयर है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं जीत पाई है। 2018 के अंदर दोस्तों पीवी सिंधु ने इस टूर्नामेंट को जीता था, 19 के अंदर चैंग ने जीता, फिर तुसु ने जीता और अभी 2021 का यांग ने दोस्तों इसको जीत लिया है। ये अभी कहाँ पे करवाया गया है, बाली के अंदर है जो कि इसको करवाया गया है। पुरुषों में एलेक्सन ने जीता है और 2022 का जो होगा ये कहाँ पे होगा, चाइना के अंदर है जो कि इसको करवाया जाएगा, समझ गए। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले इसका नाम जो था ना वर्ल्ड टूर फाइनल्स का, इससे पहले इसका नाम WBF सुपर सीरीज फाइनल हुआ करता था, है ना। फिर इसका कुछ साल पहले नाम 2018 में चेंज होके वर्ल्ड टूर फाइनल है जो कि हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो चाइना ने जीते हैं, 6 मेडल इसने, और इंडिया ने, हमने एक ही मेडल जीता, वो भी आपको मालूम है गोल्ड मेडल पीवी सिंधु का ही है, और अभी सिल्वर मेडल जीत लिया, तो टोटल हमारे 2 मेडल है जो कि इसके अंदर हो गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेम न्यूज थी, जनसत्ता में भी सेम है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रोड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रोड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा देश का पार्ट है ना वो दोस्तों बहुत ही आइसोलेटेड है कंपैरेटिवली, अगर मैं बात करूँ देश के मेनलैंड के, क्योंकि अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप या वहाँ पे इंडस्ट्री, ये सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेट है जो कि स्टार्ट हुई है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जबकि वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चाहे टूरिज्म हो चाहे इंडस्ट्री हो, सब जगह में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो वहाँ पे डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरत थी कि पहले रोड नेटवर्क, हाईवे नेटवर्क को डेवलप किया जाए, उसके बाद में इंडस्ट्रीज का सेटअप है जो कि किया जाएगा। तो एम क्या था 2011 के अंदर कि 450 किलोमीटर लॉन्ग रोड बनाएंगे 6 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंदर, मणिपुर, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, इसके अंदर 2022 में कंप्लीट करने के लिए बोला गया। 36 लाख लोगों को इससे बेनिफिट है जो कि मिलेगा। ये देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके का रोड नेटवर्क है जो कि बनाने के लिए बोला गया था, समझ गए। और नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है रेस्ट ऑफ द इंडिया के, क्योंकि आसाम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लेकिन पीछे है। जो हमारे सेवन सिस्टर्स है ना, ये टोटल 5000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का एरिया है जो कि देखने को मिलता है। इसके अलावा बॉर्डर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है ना। रेस्ट ऑफ द कंट्री से दोस्तों हम लोग अटैच नहीं कर पाते क्योंकि लैक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक्स एक्सपोजर है, पावर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है।
तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप रोड नेटवर्क को इम्प्रोवाइज़ किया जाए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया गया, 10,000 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क है जो कि बिल्ड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अरुणाचल पे भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि अरुणाचल चाइना से टच में है। 1962 की वॉर में भी ये हुआ था। एक्चुअली हमारे पास में रोडें नहीं थी हमारे हथियारों को अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तक भेजने को लेकर, समझ गए। तो इसका फ़ायदा चाइनीज ने बहुत ज़्यादा उठाया था। एक अच्छा रोड नेटवर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग लद्दाख के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे रोड नेटवर्क वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त बीआरओ ने काम किया हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। आगे बात करते हैं इंडिया और यूएई के सीईपीए नेगोशिएशन को लेकर। इंडिया और यूएई ने दोस्तों लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोनों थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन है जो कि दोनों के बीच में हुआ है। 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी फ्री ट्रेड पैक्ट को लेकर कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड एंड सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हुआ, कॉरपोरेशन कॉम्पिटिशन हुए, बाकी सब चीज़ों के अंदर। 2021 में यूएई दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इंडिया के अंदर। इंडियन कंपनीज ने $85 बिलियन दोस्तों यूएई में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, स्टोन, ज्वेलरी, जेम में। हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मिनरल, प्रीशियस मेटल, जेम, ये सब करते हैं। और बायलेटरल ट्रेड हम लोग $100 बिलियन का जो है आने वाले 5 साल में करने का कोशिश कर रहे हैं। हमने कई सारे एग्रीमेंट से दोस्तों जो कि इंडिया ने कई देशों के साथ में कर रखे हैं, जैसे होता है एक पीटीए, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ड्यूटीज है ना, उनको कुछ एक सामान प्रिफरेंशियल मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर प्रेफरेंस की जाती है, उनके ऊपर हम लोग उसको कम करते हैं दोनों देशों के बीच में। सीईसीए के अंदर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट होता है। इसमें भी टैरिफ के रेट के ऊपर नेगोशिएशन होता है। बीआईटी के अंदर भी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर। टीआईएफए होता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि कैसे हम दोनों मिलकर है जो कि काम करेंगे, समझ गए। चलिए ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इंडिया और यूएई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और यूएई के लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमारे 30 लाख भारतीय हैं जो कि यूएई के अंदर दोस्तों रहते हैं और बहुत ही पीसफुली रहते हैं। शायद ही कभी आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि यूएई के अंदर दंगे हो गए, यूएई के अंदर लड़ाई हो गई, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। कभी अगर आप दुबई जाओगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पे दोस्तों इंडिया हो, पाकिस्तान का हो, चाहे कोई से भी देश का, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, सब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हारमोनी के साथ में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि सभी वहाँ पर नौकरी करने आए हुए, काम करने आए हुए, पैसा कमाने आए हुए हैं। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है तब क्या होती है, ये सब चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता वहीं पर ही चीज़ें जो है वो एक दूसरे को ज़्यादा हार्म करती है, क्योंकि लोग ज़्यादा फालतू होते हैं, उनका माइंडसेट जो है वो अलग तरीके से जो है वो मीडिया के द्वारा ड्रेन कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वहाँ पे सिर्फ फोकस जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से दोस्तों हार्मोनी के अंदर है जो कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया की पॉलिसी है यूएई लुकेस्ट पॉलिसी, उसके तहत इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो वेस्टर्न एशिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे लिए यूएई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। देखो एक बार समझने की कोशिश करो, अगर मैं पूरे गल्फ कंट्रीज़ में बात करूँ तो हमारा सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आने वाला कंट्री यूएई है, और अगर मैं इंडिया, पाकिस्तान या फिर अगर सार्क कंट्रीज़ की बात करूँ तो यूएई का भी सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया ही की पॉपुलेशन उसको बहुत हेल्प करती है आगे लेके जाने को लेकर, समझ गए। अगर आप देखोगे यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन तो एफडीआई भी बहुत ज़्यादा है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है, 8% इंडिया का ऑयल इंपोर्ट और फिफ्थ लार्जेस्ट सप्लायर भी है क्रूड ऑयल का इंडिया। डिफेंस के अंदर भी दोस्तों हम लोग काफ़ी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, डेजर्ट ईगल करके एक एक्सरसाइज है जो कि दोनों देशों के बीच में होती है। अगर आप देखोगे ना यूएई के अंदर दोस्तों, बड़ी बात पता है क्या है कि यूएई के जो लोग हैं वो खुद सिर्फ 10% है, वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो आपके साउथ एशियन लोग हैं, समझ गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन इंडियंस की है, 27% पाकिस्तानी की और 12.5% बांग्लादेशी की है। सिर्फ 11% लोग हैं जो कि यूएई के अंदर रहते हैं, मतलब सोचिए, बाकी थोड़े से यूरोपियंस लोग हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब अजीब स्थिति है अगर यहाँ पे ज्योग्राफिकली अगर मैं बात करूँ तो। और बांग्लादेशी पाकिस्तानी आपको मेजरली टैक्सी ड्राइवर वाला काम करते हुए मिलेंगे, आपको रेस्टोरेंट में काम करते हुए मिलेंगे, आपको जो सामान बेचने वाले होते हैं ना वो वाले काम मिलेंगे। इंडियंस आपको जो मेजरली मिलेंगे वो अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, जो मिडिल लेवल की जो आपकी पोजीशंस होती है, ऑफिस वर्क होते हैं उसके अंदर मिलेंगे। और जो यूरोपियंस हैं वो सारे के सारे लीडर्स के तौर पर मिलेंगे, और उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा रूल करने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा अमीर है, वो आपको गल्फ के शेख लोग हैं जो कि मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफिकली डिवीजन है जो कि देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट की बात करें, खलीफा बिन जायद अल नाहयान प्राइम मिनिस्टर और वीपी जो है
मोहम्मद बिन रशीद है जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी को लेकर। ठीक है गाइस, एक बार वीडियो को शेयर कर लेना। रुद्रा बोल रहे हैं कि सुने हैं वहां लड़कियों को बिना पुरुष के साथ बाहर नहीं निकलने देते। रुद्रा देखो, ये बाकी सऊदी वाऊदी वाले और जो ये तालिबान अफगानिस्तान वाले केस के अंदर है, ये सब सऊदी में भी एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये सब जो आप बातें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी अफगानिस्तान वाले एरिया के अंदर, समझ गए। जो ये बाकी यूएई और ये सब जो कंट्रीज है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे है। मतलब रोड का नेटवर्क इनका ऐसा है कि आपको यकीन नहीं होगा आंखों के ऊपर कि ऐसे भी कोई रोड बन सकती है। मिनिमम स्पीड दुबई के अंदर जो गाड़ी चलती है वो 100 की स्पीड के ऊपर चलती है, मतलब 100 से कम तो कोई चलाता ही नहीं है वहाँ पे। मतलब सोचिए, हमारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा नहीं चलती है तो रोड नेटवर्क बहुत ही खतरनाक है। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी को लेकर जो कि प्रपोज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दोस्तों स्ट्रेटेजिकली हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाह रहे हैं। हमारे NIC, DAC, NIC, SI इन सबको इंक्लूड करके ब्लॉकचेन को एज ए सर्विस पे हम लोग काम में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी ई गवर्नेंस सर्विसेज है ना, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कवर करें। उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, कोलैबोरेशन हो जाएगा, सारे के सारे काम है जो कि हम लोग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, देखो ब्लॉकचेन के फायदे क्या क्या हैं, पहले ये देखिए। इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में मदद मिलती है। सबसे सारी चीज़ें है ना सेंट्रल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। दूसरी, फास्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिक्योर होती है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है और लेटेस्ट है। उसके ऊपर आपके जो भी आज के टाइम पे इन फ्यूचर के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वो इसी के ऊपर होगी। तो हमारे कंट्री को भी ज़रूरत है कि हम इसके अंदर जो है वो आगे काम करें। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको एक ट्रांजेक्शन करना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ट्रांजेक्शन की किसी ने रिक्वेस्ट करी, ओके, ये क्या करेगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू जाएगा, अल्गोरिथम डिसाइड करेगा, यूज़र के पास में पहुँचेगा। अब वो क्या कर सकता है, किसी भी करेंसी के अंदर पैसा पे कर सकता है। आपसे मान लो 1 लाख रुपये का किसी ने डिमांड करी, अब आपके पास में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये हेल्प होती है कि आप चाहो तो क्रिप्टो करेंसी में भी पे कर सकते हो, आप चाहो तो किसी और के अंदर भी पे कर सकते हो। ट्रांजेक्शन को वेरिफिकेशन होता है, अदर ट्रांजेक्शन के साथ में वेरिफिकेशन होकर एक नया कोड जनरेट होता है और वो पास ऑन होकर जब आप उसको फाइनलाइज करोगे तब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है जो कि होता है ना। मेडिकल सप्लाई, वैक्सीन के अंदर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाने को लेकर इसको काम में लिया जा सकता है। तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, देखो हम लोग बिटकॉइन के ऊपर तो बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं लेकिन नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और क्रिप्टो करेंसी को है ना इससे दूर रखें। हालांकि हमने एक बिल जो है वो क्रिप्टो करेंसी का रख रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि खुद की डिजिटल करेंसी बनाएं और ये बिटकॉइन और बाकियों के ऊपर काम ना करें। ठीक है गाइस, ब्लॉकचेन एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही सिक्योर है, नेटवर्क के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सपोर्ट करता है क्रिप्टो करेंसीज को भी, बिटकॉइन को भी और बाकी सारे डिजिटल एसेट्स को भी, समझ गए, और हैकर से दोस्तों बचाने में बहुत ज़्यादा मदद है जो कि करता है। चलिए ठीक है, चलिए हर एक ट्रांजेक्शन आपका सिक्योर रिलायबल होता है, ऑथराइज्ड होता है, माइनर्स के द्वारा हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, थर्ड पार्टी का अप्रूवल जो है वो इसमें होता नहीं है, तो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया को लेकर। तो देखिए, हम चाहते हैं कि देश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन एक ऐसा लैंड होता है जो कि जहाँ पे आप बता सकते हो कि इस एरिया के अंदर ये वाला क्रॉप है जो कि उगा सकते हैं और यहाँ से प्रोटेक्शन हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पूरे देश को हम लोग है ना एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन हम लोग बढ़ा सकें। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर में अलग चीज़ उगती है, केसर उगती है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा है कि 15 क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में हमने कंट्री को डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे स्पेसिफिकली अलग अलग चीज़ों को ग्रो करने को लेकर हम लोग काम करते हैं। इसी के अंदर कई बार क्या होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, क्लाइमेट बदल जाता है, लेंथ बदल जाती है एरिया की, ड्यूरेशन बदल जाती है, तो हम उसी एग्रो क्लाइमेट में से एक और चीज़ को निकालते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन को अलग से डाटा मेंटेन करने की ज़रूरत है उन जगह की जहाँ पर चीज़ें बदल रही है। हमने ऐसे 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है जो कि हमने पता कर रखे हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग सेटअप करेंगे जोनल रिसर्च सेंटर हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर, ताकि वहां पे कंडीशन और क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग देख सके। समझ गए मेरी बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और चीज बताई थी जो कि था वेज रेट इंडेक्स।
एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, शेयर नहीं किया है तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। देखो वेज रेट इंडेक्स क्या है 2016 के अंदर, 16 का बेस ईयर है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। पहले वेज रेट इंडेक्स 1963 से 65 के बीच में ये वाला हुआ करता था, तो हमने बेस रेट को चेंज किया है क्योंकि पुराना वाला बहुत ही ओल्ड हुआ करता था। अब ये वेज रेट इंडेक्स है क्या एक्चुअली के अंदर, देखो क्या होता है कि कोई भी लेबर, कोई भी मजदूर जो है ना वो काम करता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है। 2010 में जो पैसा मिलता था, हम उम्मीद करते हैं कि 2020 तक जो है उसका 2 या 3 गुना 4 गुना हो जाना चाहिए क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है। तो कितना परसेंटेज चेंज जो है उसके वेज के अंदर आया है ओवर द ईयर, जिस उसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, वेज रेट इंडेक्स से। कितना चेंज ईयर द ईयर है जो कि उसके अंदर आ रहा है। आज से 5 साल पहले भी 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी हुआ करती थी, आज भी उतनी है। इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं आया बेचारा, वो गरीब आदमी गरीबी उतना का उतना रहा, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को, चेंजेस को महसूस करना, उसको पॉलिसी में लेके आना, उसको रिसर्च में लेके आना, उसको जनता तक लेके आना और उसको आगे बढ़ाना, इसीलिए दोस्तों इस इंडेक्स की ज़रूरत है जो कि पड़ती है। समझ गए, 63-65 में 14 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, आज सेक्टर बढ़ के 30 हो चुके हैं, माइनिंग प्लांटेशन में उतने ही हैं, तो टोटल 37 सेक्टर के अंदर हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर है जो कि हम लोग इसको 17,700 ऑक्यूपेशन इसमें इंक्लूड करेंगे और फिर बताएंगे कि हर एक ऑक्यूपेशन में कितना ज़्यादा चेंज है जो कि आया है ओवर द टाइम। ठीक है, सैंपल यूनिट अगर आप देखोगे तो 2600 हो चुकी है, 82% चेंज है जो कि इतने सालों के अंदर देखने को मिला है। चलो, तो ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा नई सीरीज है जो कि रिलीज करी जा रही है, लेबर ब्यूरो और मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस बार हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन दोनों के रिकमेंडेशन से इसको लेके आ रहे हैं और एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर हम लोग इसको काम करेंगे। ओके, 37 इंडस्ट्रीज इसमें कवर करी गई है, टेक्सटाइल, फुटवेयर, पेट्रोलियम और भी कई सारे नई हैं जो कि इसके अंदर हमने एड ऑन करी है। चलिए, जो हाईएस्ट वेज रेट इंडेक्स है रिकॉर्ड किया गया वो ड्रग और मेडिसिन में किया गया है, उसके बाद में शुगर, मोटरसाइकिल, इन सारे इंडस्ट्रीज के अंदर यानी कि लेबर के अंदर प्राइसेस बढ़ी है। सबसे कम है दोस्तों रबर प्लांटेशन में, कास्टिंग में, पेपर में, इनके अंदर ज़्यादा लेबर रेट या वेज रेट नहीं बढ़े हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करेंगे, पीएससी कमेटी को दोस्तों 100 साल है जो कि हो चुके हैं। पीएससी वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर है ना बहुत सारी कमेटीज होती है, पार्लियामेंट्री कमेटीज, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी, फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके 3 पार्ट होते हैं, समझ गए, एक तो होता है पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होता है एक्सटीमेट कमेटी और एक होता है सीपीयू कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 प्रकार की फाइनेंशियल कमेटीज होती है। आर्टिकल 105 के अंदर जो है इसको अथॉरिटी मिली हुई है पार्लियामेंट्री मेंबर्स को। आर्टिकल 118 के अंदर दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर ऑफ बिजनेस को काम करने को लेकर बताए जाते हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का फॉर्मेशन 1921 के अंदर हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर जो कि इसको मेंशन किया गया था, इसको माउंट फोर्ड रिफॉर्म के तौर पर इसको लाया गया था। पीएससी दोस्तों हर साल बनाई जाती है रूल 308 के तहत, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के तहत। लोकसभा के तहत क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी मेंबर्स, इसके अंदर क्या होता है 15 मेंबर तो होते हैं लोकसभा के और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, तो टोटल इसमें 22 मेंबर हैं जो कि होते हैं पीएससी के अंदर। समझ गए, मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि होता क्या है। देखिए कि सबसे पहले मान लीजिए कैग ने कोई भी स्कैम की रिपोर्ट पता करी, वो देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देगा पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ये जो रिपोर्ट है वो किसके पास जाती है, पीएससी के पास जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये एक तरीके से ये करप्शन का है ना आई वॉच है, एक तरीके से करप्शन को देश में बताने की जो बॉडी है ना वो पीएससी है, क्योंकि जो इसका हेड होता है वो हमेशा अपोजिशन का होता है, अपोजिशन पार्टी का होता है। तो अगर अपोजिशन वाले पार्टी के पास में गवर्नमेंट के, प्रेजेंट गवर्नमेंट के कोई भी स्कैम की जानकारी आएगी तो पूरे देश में बताएगा ज़रूर, इसीलिए अपोजिशन वाले को बनाया जाता है। समझ गए, और पीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी। अगर सोचिए ये नहीं होती तो कभी भी प्रेजेंट सरकार को डर नहीं होता, जैसे कि पहले आपको मालूम है कैग ने तो दी थी 2G 3G कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सब तभी तो देश को पता लगा करप्शन का, तभी फिर आंदोलन हुआ था, उसके बाद में सरकार चेंज हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो है ये पीएससी कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए फाइनेंशियल कमेटी 3 है, स्टैंडिंग कमेटी अलग होती है, रेलवे हेल्थ,
एडहॉक कमिटी होती है जो कि किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बनाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी अलग होती है, तो बहुत सारी कमिटीज़ है जो कि पार्लियामेंट के अंदर बनाई जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीएससी है, अधीर रंजन चौधरी अभी इसके हेड है, 22 मेंबर है, एक साल के लिए होती है, लोकसभा राज्यसभा से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करती है, इनकी सब कमिटीज़ भी होती है, टैक्सेस में, रेलवेज में, बहुत सारी चीज़ों में। उसी प्रकार से एक एस्टिमेट कमेटी होती है जिसके गिरीश जी अभी हेड है, 30 मेंबर होते हैं लोकसभा के, एक साल के लिए, सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। वैसे पीयूसी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, मीनाक्षी लेखी इसकी हेड है, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, एक साल के लिए बनती है, लोकसभा राज्यसभा से लोगों को निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपके पेपर में सवाल बनता है यहाँ से। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करें तो स्पीकर के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, है ना, और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के ऊपर ये बात। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो एक फॉरम होता है जहाँ पे डिस्कशन किया जा सकता है किसी भी बिल के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो है वो कंसेंसस को बिल्ड करती है कि चलो ठीक है, इस चीज़ को लेके आते हैं, देश के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एग्जामिन करती है पॉलिसी इश्यूज को कि किसके ऊपर क्या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो कमिटीज ये आपस में बात करती है। अगर फार्म बिल के ऊपर, फार्म एक्ट जो आए थे ना, उनके ऊपर अगर पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता तो शायद जो है उसको लेके आना, उसको वापस से विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, 700 लोगों की जान है जो कि बच जाती, और इतना ज़्यादा देश के अंदर हल्ला हल्ला मचा वो भी बच जाता, इतने सारे किसान एक साल तक परेशान हुए। ये सब चीज़ें नहीं होती अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के तौर पर अगर डिस्कशन होता, बातचीत होती, तो क्या होता है कि देखो जिसके पास मेजॉरिटी है वो पास तो करवा लेगा, लेकिन नुकसान और फायदे जो है वो देश के सामने आ जाते हैं अगर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किसी चीज़ के ऊपर होता है। अगर आप ऑर्डिनेंस ला के ला दोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, बाद में जनता को गुमराह करना तो बहुत ही आसान होता है, मीडिया में चला दो, अखबारों में चला दो, जो गुमराह हो जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों राज्यसभा ने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया अपना डिसीजन टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्राइवेट मेंबर बिल टू अमेंड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पहले समझने की कोशिश करें प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि किसी भी एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, बस कोई भी एमपी इसको लेके आ सकता है, बस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। मेजरली जो है अपोजिशन पार्टी किसी भी पब्लिक मैटर पर बात करती है ना, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आती है। पार्लियामेंट इसको अप्रूव करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, रिजेक्ट हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मंथ का नोटिस देकर ही आप प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि दे सकते हो। एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमपी की कि वो जो भी चीज़ को कंसर्न है उस चीज़ को लेकर बिल लेके आए, तो उसको प्राइवेट बिल है जो कि कहते हैं। पब्लिक बिल जो है वो भी पार्लियामेंट में मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, पार्लियामेंट के चांस अब ज़्यादा होते हैं इसमें इसको आगे लेके जाने को लेकर, और अगर ये पास नहीं हो पाए तो यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जो है लोग सपोर्ट में नहीं है, और 7 डे के नोटिस पे ही आप इसको लेके आ सकते हो पब्लिक बिल को। ठीक है, ये वाली बात हो गई, अब समझने की कोशिश करें। अभी एक भाई साहब है जो कि एक हमारे एमपी हैं, उन्होंने क्या किया, ये बोला कि भाई प्रीम्बल को चेंज कर दो। प्रीम्बल को चेंज करने को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल है वो लेके आए, तो राज्यसभा ने बोला कि हम इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करेंगे, और हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि प्रीम्बल को चेंज करने को लेकर कोई भी प्राइवेट बिल है जो कि नहीं लेके आएगा। पहले हमारे प्रीम्बल में लिखा हुआ था क्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसको चेंज करके ये बोल रहे हैं कि भाई पैदा होने से, फीड करवाने से, एजुकेट होने से, जॉब, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें इसमें एड ऑन की जाए। देखो, प्रीम्बल को बदलना आसान नहीं है। प्रीम्बल को बदलने का मतलब है आपको संविधान को बदलना पड़ेगा आर्टिकल 368 की मदद से। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वर्डिक्ट दे रखा है केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, और प्रीम्बल दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। प्रीम्बल, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, संविधान सबसे ऊपर होगा, फंडामेंटल राइट्स के साथ आप छेड़खानी नहीं करोगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है संविधान का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करने के लिए मना कर रखा है। अदरवाइज पार्लियामेंट का भरोसा हो तो पार्लियामेंट पूरी किताबें बदल दें, समझ गए। एमपी पॉलिटिशियंस का तो वैसे ही, वो तो अपने फायदे के लिए करते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस के अंदर। प्रीम्बल को एक ही बार चेंज किया गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जब SSI को ऐड किया गया था। SSI का मतलब है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को एड ऑन किया गया था, समझ गए। चलिए, तो कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं हो, प्राइवेट बिल है जो कि लेके आ सकता है, बाकी सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ।
आज तक दोस्तों लास्ट जो प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ दोनों हाउसेस में, वो 1970 के अंदर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपील ज्यूरिडिक्शन बिल आया था 1968 में। टोटल मिला के आज तक दोस्तों 14 बार ही ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि राज्यसभा में मतलब जो है पांच जो थे वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करे गए जो कि लॉ बने। ओके, 14 टोटल मेंबर है बिल है जो कि आज तक लॉ बन चुके हैं, जिसमें से लास्ट जो बना था 1970 में बना था। ठीक है, चलिए आज के दिन के इतिहास की बात करें तो आज के दिन दोस्तों हमारे बी आर अम्बेडकर जी की भी डेथ हुई थी 1956 में। वर्ल्ड का फर्स्ट पीडियाट्रिक हार्ट ट्रांसप्लांट है जो कि 1967 के अंदर है, जो कि किया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर। वोकैबुलरीज की बात करें, फल्मिनेट का मतलब है निंदा करना, किसी को रेज, सेंश्योर अच्छे वर्ड है। टायरेंट का मतलब है क्रिटिसाइज करना, हैरैंग बहुत अच्छा वर्ड है। एंडोर्स का मतलब समर्थन करना, रेकलेस का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बेपरवाह होता है उसको बोलते हैं केयरलेस को, हेस्टी अच्छा वर्ड है। रिपैट्रिएट का मतलब है किसी चीज़ को वापस से भेजना खुद के कंट्री। एग्जॉडस का मतलब है किसी चीज़ जगह से बहुत सारे लोग चले जाते हैं ना, उसको एग्जॉडस कहते हैं। आज का फन फैक्ट है दोस्तों, एक ऐसी किताब, एक ऐसी बाइबल जिसको द बाइबल गन कहते हैं, एक आदमी ने दोस्तों इस तरीके से एक किताब बनाई थी जिसको गन चलाने के लिए ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब सोचिए, इसने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया कि ये किताब हाथ में रख के भी किसी के ऊपर गोली चला सकता था, ओपन करने की भी जरूरत नहीं थी। ये दोस्तों एक मोरोसिनी करके एक आदमी था, उसका था, विदाउट ओपनिंग द बुक ये फायर कर दिया करता था। तो ये बाइबल गन इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है गाइस, ये था आज का फन फैक्ट। इसके अलावा अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU 10 या Bhunesh 10 यूज कर सकते हैं। आपको UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग किसी भी एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। SSC का आप 250 रुपये पर मंथ में प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक 350 रुपये पर मंथ। ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, गोल सेलेक्ट करिए। आपका गोल यहाँ पे SSC है, UPSC है, IIT है, NEET है, जो भी आपका गोल है। प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंथ, और BHU 10 आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्माइल फॉर सोसाइटी .org की वेबसाइट पे जाके आप गेट अपने सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे लेकर एक बच्चे की पिज्ज़ा की कॉस्ट में एजुकेशन भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। वॉलंटियर फॉर्म है जो कि आप भी फिल कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट रोड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कौन से साल में लॉन्च किया गया? भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिम्बल कौन से आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट है जो कि किया जा सकता है? कितनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे देश में अवेलेबल है? पब्लिक अकाउंट कमिटी को कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं स्पेशल क्लास में, 9 बजे वाली क्लास में, और साथ में दोस्तों। ठीक है, ये था आज का आपका सेशन। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।